जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि सत्यपाल मलिक क्या बड़े खुलासे करते हैं, क्योंकि दर्शकों लगातार देखा जाए तो सत्यपाल मलिक जो है राजस्थान के दौरे पर थे और राजस्थान के दौरे को जो है रहस्यमय बताया गया है। लेकिन सीबीआई अब पूछताछ करेगी तो क्या पुलवामा हमले को लेकर बड़ा खुलासा हो जाएगा? क्या यहाँ पर राजनाथ सिंह भी फंस जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की भी जांच होगी? क्या अजीत डोभाल की भी जांच होगी? ये तमाम सवाल जो है इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज़ में। दर्शकों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 300 करोड़ रुपए की रिश्वत के कथित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाला मामले में सीबीआई शुक्रवार यानी कि आज 28 अप्रैल को उनके घर पहुंचकर पूछताछ कर सकती है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने एक साल पहले मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई 6 राज्यों में पहले ही छापेमारी कर चुकी है। अब इसी मामले में सीबीआई ने एक सप्ताह पहले सत्यपाल मलिक को मौखिक रूप से नोटिस जारी कर कथित बीता घोटाला मामले में कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए जो है पत्र भेजा था। इस मामले में सात महीने के अंदर दूसरी बार सीबीआई मलिक से आज पूछताछ कर सकती है और मलिक क्या कुछ खुलासा करेंगे इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को भ्रष्टाचार के मामले में मिली शिकायत को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बुलाया था। सत्यपाल मलिक ने 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई को समय दिया था। उन्होंने कहा था कि इन 2 दिनों में कभी भी सीबीआई सत्यपाल मलिक से बातचीत कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए अकबर रोड गेस्ट हाउस में उन्हें आने के लिए कहा था। उस समय मलिक ने कहा था कि मैं राजस्थान जा रहा हूं। उन्होंने सीबीआई को 27 और 28 अप्रैल तक की जो तारीख दी थी। अब देखना यह होगा कि सत्यपाल मलिक जो है यहां पर जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो को क्या कुछ बताते हैं और अगर सत्यपाल मलिक फंस जाते तो क्या गिरफ्तारी होगी या फिर सत्यपाल मलिक सीबीआई के सवालों में जवाब देते देते तमाम सबूतों को पेश कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।